Hello everyone, welcome back to another study blog. So mainly in this blog I will be showing you all that how I am managing my studies on my coaching days. So without any further ado, let's get started. So guys, यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की थी ऑन संडे इन माई कोचिंग एंड जब मैं वापस घर पर आई थी सो आई गॉट टू नो कि मेरी स्टडी टेबल आ गई है एंड लिटरली मैं इसका एक हफ्ते से इंतजार कर रही थी. लाइक हमने इसका शेड चेंज करने के लिए दिया था. सो फाइनली गाइज, हेयर आई एम शोइंग यू ऑल माई स्टडी टेबल एंड डू टेल मी कि कैसी लग रही है. वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग इट नाउ. वैसे तो गाइज, आपने मेरी टेबल को ऑर्गेनाइजेशन का क्लिप्स जो है थोड़ा सा आपने मेरे शॉर्ट्स वाली वीडियो में देख लिया होगा, बट स्टिल वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग इट अगेन. एंड अभी मेरे पास फिलहाल के लिए कुछ इतनी ज्यादा चीजें हैं नहीं डेकोरेट करने के लिए, बट टाइम जैसा कि बीतता जाएगा ना, वी विल बी गेटिंग मोर एंड मोर थिंग्स एंड वी विल बी डेकोरेटिंग इट. सो बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द टेबल वी नीड अ प्लेस टू सेट इट अप. तो यहाँ पे हम वही देख रहे थे कि हमें कहाँ लगाना चाहिए इसे. सो गाइज, फिलहाल के लिए हमने बेड की डायरेक्शन जो है थोड़ी सी चेंज कर दी है बिकॉज वहाँ पे टेबल नहीं आ रही थी एंड टेबल ना यहाँ पे आती थी फिर यहाँ पे ना वो गेट बंद नहीं हो पाता. तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है हमने यहाँ पे बेड की. तो ये बेड अब ऐसा लग रहा है एंड ये जो सारा बिखरा हुआ है सारा बॉक्स के ऊपर रखा था, तो वो बॉक्स के ऊपर हम सामान दोबारा वापस रखेंगे. बट इसमें जो मेरी बुक्स होंगी ना, हम उसको इस पर अरेंज करने वाले हैं, लाइक इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे. एंड ये है वो टेबल लैम जो कि मैं लेकर आई हूँ अपने टेबल के लिए. सो इसको मैं यहीं पर प्लेस करने वाली हूँ ऑन माई टेबल. सो यहाँ पे विंडो है अपनी, तो ये इस तरीके से लुक आएगा पूरा का पूरा. यहाँ पे बेड रहेगा. सो जब ये पूरा का ऑर्गेनाइज हो जाएगा देन आई विल बी शोइंग यू ऑल कि ये कैसा लुक आ रहा है. सो जल्दी से चलते हैं एंड देन वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग ऑल दीज थिंग्स. सो लेट्स गो. तो सारा रीअरेंज करने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने अपने टेबल पे अपना सामान शिफ्ट करना स्टार्ट किया. सो हियर आई वाज सेटिंग इट अप. देखो अभी मेरे पास कुछ इतना मटेरियल था नहीं, आई वाज जस्ट रीअरेंजिंग द बुक्स ऑन माई टेबल. ओके गाइस, सो हेयर इज आर फाइनल लुक ऑफ आर टेबल. तो इस तरीके की कुछ दिख रही है अभी फिलहाल के लिए. अब देखो हमारी टेबल न्यू आई है सो इट्स लुकिंग लाइक दिस. बट जैसे ही टाइम थोड़ा सा बीतता जाएगा ना, सो ये वॉल भी डेकोरेट हो जाएगी, ये वाली वॉल भी डेकोरेट हो जाएगी, प्लस हमारी टेबल पे भी काफी न्यू चीजें ऐड हो जाएंगी. लाइक आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ स्मॉल प्लांट जो कि डेकोरेशन वाला प्लांट होता है वो लेकर आएंगे एंड वी विल बी पुटिंग इट समवेयर ओवर हियर ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आए. लाइक जब भी थोड़ा सा ग्रीनरी होता है ना तो लुक काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है किसी भी चीज का. सो आई एम थिंकिंग ऑफ गेटिंग सम पॉटेड प्लांट्स, लाइक वो रियल वाले नहीं लेके आऊंगी ऑब्वियसली. तो यहाँ पे मैंने बॉटल भी रख लिया, वाटर बॉटल वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर बॉटल तो काफी इंपॉर्टेंट है. सो फॉर नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस एंड इसका टूर मैं जरूर दे दूंगी बहुत, लेकिन बाद में दूंगी क्योंकि जब अभी थोड़ी सी डेकोरेट हो जाएगी देन आई विल बी गिविंग अ टूर ऑफ इट. वहाँ पे सारी मेरे भाई की बुक्स वगैरह रखी हैं क्योंकि वो तो मैं यहाँ पे लाकर रखने वाली हूँ ऑब्वियसली बात है. तो हाँ, तो यहाँ पे स्टेला है एंड दिस इज हाउ ऑल ऑफ इट लुक. सो यस, सो अभी यहाँ पे ये मैंने इस पे इधर ये पेस्ट किया हुआ था, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाया था अगस्त या फिर सितंबर में. 99% इन बोर्ड्स जो कि नहीं आया ऑब्वियसली, 96% आया. तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया, इसका कोई काम नहीं है एंड ये बाकी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, इनको लगे रहने देते हैं. सो हाँ, ओके एवरीवन. सो अभी मैंने आपको जितने भी क्लिप्स दिखाई इट वाज ऑफ संडे एंड राइट नाउ आई एम गोना शो यू ऑल द 3rd of June क्लिप्स, दैट इज 14th डे ऑफ अ 30 days चैलेंज. तो गाइज, आज मंडे को ना मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास लगी थी कोचिंग में, दैट इज ऑफ बॉटनी एंड इट वाज फ्रॉम 10:45 AM. तो मैंने आपको पहले अपडेट कर दिया था उसी दिन, अपने टेलीग्राम पे मैंने मैसेज डाल दिया था कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है तो मेरे को वहाँ पे जाना पड़ेगा. तो इसलिए मैं सोचा कि आफ्टरनून का टाइम तो वहाँ पे चला जाएगा एंड उसके बाद मैं शाम को आके पढ़ पाऊंगी. तो यहाँ पे मैं सुबह पढ़ने बैठ गई थी एंड टुडे आई up at 5:30 AM in the morning. And guys, to be honest, इस वाले वीडियो में मैंने आपको मोस्टली अपने मॉर्निंग के स्टडी क्लिप से दिखाए हैं बिकॉज वो वाला टाइम मेरा ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है. जो भी इवनिंग का टाइम रहता है मैं उसमें पढ़ती तो ज़रूर हूँ, बट मेरा कभी कभी मन ही नहीं करता कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ बिकॉज आई एम नॉट इन द मूड ऑफ स्टडिंग एक्चुअली, बट आई हैव टू स्टडी बिकॉज सिलेबस रिवाइज करना ज़रूरी है. एज यू ऑल नो कि नीट में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया है. अगर आपने अभी नीट का 2024 का रिजल्ट देखा होगा सो यू वुड बी गेटिंग टू नो कि भाई क्या चल रहा है, स्कैम चल रहा है कि कुछ भी चल रहा है एंड इतने ज़्यादा बच्चों के 720 और 720 आए हैं. सो वी नीड टू स्टडी प्रॉपरली बिकॉज वी डोंट नो कि एक्चुअली 2026 के एस्पिरेंट्स के जब वो एग्जाम्स देंगे तो उनके एग्जाम के वक्त कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे या फिर उनका कंपटीशन एंड कट ऑफ कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो येस गाइज, वी नीड टू वर्क हार्ड एंड वी नीड टू स्टडी. सो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर फ्रॉम अ PW लेक्चर एंड अब मुझे ये मत बोलना कि आकाश में होकर PW के लेक्चर से पढ़ रही हूँ. लाइक अभी मेरे पास कोई और चॉइस है नहीं, हमारे आकाश में भी ये वाला चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ है एंड स्कूल में खत्म हो गया. सो हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, तो उसके लिए यही लेक्चर बचा है मेरे पास जो मैं देख सकती हूँ. तो यहाँ पे मैं वही बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन चैप्टर का लेक्चर देख रही थी एंड उसके बाद मैंने चाय पिया एंड देन आई गॉट रेडी फॉर माई कोचिंग एंड यहाँ पे मैं निकल गई थी अपनी कोचिंग के लिए. Thank you.
Okay guys, so here moving towards the next day, that is 4th of June, which is our 16th day of our 30 days challenge. And मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में गलती से उसको 14th day बोल दिया था, but it is our 15th day. अभी जो 14th day है उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है जो कि मैंने नहीं किया है. सो ये वाली जो लॉन्ग वीडियो है इसके बाद मैं उसे जल्दी से एडिट करके अपलोड कर दूंगी, तो फिर यू कैन सी इट ऑन माई चैनल. सो गाइज, यहाँ पे मैं करी थी मोल कंसेप्ट फ्रॉम केमिस्ट्री एंड यहाँ पे मैं एलेक्सा का 45 मिनट्स का एक लेक्चर देख रही थी ऑन दिस टॉपिक. अब गाइज, लिटरली मेरे को काफी कमेंट आए थे इस वाले टॉपिक को लेके कि मोल कंसेप्ट को कैसे पढ़ना है, मोल कंसेप्ट इज रियली हार्ड एंड ये हमें समझ नहीं आ रहा है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं. तो मेरे को ये वाले एजुकेशन है इसको देख के मेरे को इतना लगा नहीं, क्योंकि मेरे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इजिली एंड कुछ ऐसे माइनर क्वेश्चन होते हैं जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ. एंड इसलिए मेरे को लगा कि अगर मेरे को उनको जल्दी से सॉल्व करना है तो मेरे को अपने बेसिक्स को एक बार दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा. तो यही रिव्यू करने के लिए यहाँ पे मैं एक लेक्चर देख रही थी ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए. एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, इस वाले लेक्चर को देखने के बाद मेरे को सारे रिलेशंस एक बार रिव्यू हो गए थे एंड आई वॉज क्लियर विद एवरीथिंग कि अगर ऐसा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे को ये रिलेशन यहाँ पे लगाने हैं, ये फॉर्मूला लगाने हैं, देन आई विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप ये एलेक्सा का वीडियो लेक्चर देख सकते हो 45 मिनट्स वाला. इससे आपका जो मूल कंसेप्ट है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा एंड फिर आपके सारे क्वेश्चन ना इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये किया था एंड आई वॉज एबल टू सॉल्व. इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग भी इसको ट्राई आउट कर सकते हो. एंड गाइज, यहाँ पे अगर मैं आप लोग को ओवरव्यू दूँ कि मैंने पूरे दिन क्या क्या चीजें की थी, सो टू बी ऑनेस्ट मैंने बस पूरे दिन केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, क्योंकि देखो जो बाकी तीन सब्जेक्ट है ना वो ओवरऑल हो जाएंगे मुझसे, आई विल बी एबल टू सॉल्व जितना मेरा प्रैक्टिस टेस्ट 2 में आ रहा है. बेसिकली गाइज, मैं बाकी सब्जेक्ट को तो अच्छे से कर लूंगी, उसके सिलेबस को कोप अप, बट डेफिनेटली आई नीड सम प्रैक्टिस इन केमिस्ट्री. तो मैंने पूरे दिन बस केमिस्ट्री की थी एंड उसके बाद आई हैड सम पपाया ब्रेक एंड उसके बाद हम चले गए थे बाहर, बिकॉज मुझे कुछ ऑलरेडी होमवर्क के रिलेटेड को सामान खरीदना था, तो यहाँ पे हम वो ही लेने गए थे. सो गाइज, नाउ आई विल बी शोइंग यू ऑल कि मैंने क्या क्या चीजें खरीदी हैं. सो लेट्स सी. ओके एवरीवन, सो हियर आई एम बैक एंड लेट मी शो यू ऑल कि मैं क्या क्या चीजें खरीद के लेकर आई हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैंने कुछ 5 ब्लू बॉल पेन्स लेकर आई थी, क्योंकि मेरे खत्म हो गए थे ब्लू बॉल पेन्स एंड मैं बेसिकली अपने कोचिंग के नोट्स उन्हीं से बनाती हूँ एंड मैं जो भी सम्स न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व होते हैं वो मैं सारे ब्लू बॉल पेन से करती हूँ. मैं जो जेल पेन्स है वो बस स्कूल वाले वर्क में ही काम आते हैं, अगर मेरे को कोई भी स्कूल के रिलेटेड प्रोजेक्ट का वर्क करना है तो उसमें ही मैं यूज़ करती हूँ उनको. अब गाइस देखो, मैं क्या लेके आई हूँ. सबसे पहले मेरे को बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने थे, क्योंकि हमारे एक हॉलीडे होमवर्क है जिसमें मुझे कंप्लीट करना था, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ एक प्रैक्टिकल फाइल. सो गाइस, यहाँ पे मैं एक बार इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या ब्रश पेन्स हैं. इसमें लिखा हुआ है एक मेटालिक सिल्वर, एक ब्लेंडर ब्रश पेन है. तो गाइज, हेयर इट इज एंड ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं अंदर से, लाइक दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड इसके पीछे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, 3 मैंने पढ़ी थी, तो लाइक मिक्सिंग कलर्स वगैरह का है, सो आई विल बी सीइंग इट. तो ये इस तरह के दिखते हैं कुछ. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड मैंने इस वाली वीडियो में आपको बस मेरा मोस्टली मॉर्निंग वाला रूटीन ही दिखाया है, बिकॉज वो मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको मेरा फुल डे का रूटीन देखना है, ताकि मैं आप लोग को अपना अनप्रोडक्टिव टाइम जो होता है वो भी दिखा सकूँ. सो गाइज, जैसे भी आपके सजेशन होंगे आई विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंगली. सो दैट्स इट गाइज एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर.